अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो चलिए आज हम कॉफ़ी बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में छाग वाली क्रीमी कॉफ़ी बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे 250 ml मिल्क लिया है, 2 कप कॉफ़ी के लिए इतना दूध काफ़ी है। तो चलिए कॉफ़ी के लिए हमने यहाँ पे एक बड़ा मग ले लिया है। 5 टेबल स्पून मैंने शुगर ली है, 3 टेबल स्पून मैंने कॉफ़ी ली है। गौर से देख लीजिएगा क्वान्टिटी को। फ्लफी और क्रीमी कॉफ़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैं 4 टेबल स्पून शुगर ले रही हूँ। चावल खाने वाला चम्मच, इसे मैं टेबल स्पून कहती हूँ। गौर से देख लें आप लोग। 2.5 कॉफ़ी लूँगी मैं टेबल स्पून। दोनों को ले लिया है, मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे 1 चम्मच पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करते रहेंगे जब तक इसका स्किन कलर ना आ जाए। विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर कॉफ़ी देखिए ये ब्राउन स्किन कलर हो गया है। फिर मैं यहाँ पे 1 चम्मच पानी ऐड करूँगी। 1 चम्मच पानी फिर डाल दिया हमने। सिर्फ 3 चम्मच पानी यूज़ करना है हमने। अब इसे फिर हम फेंटते रहेंगे, जितनी आपकी हाथों की ताकत है उससे लगाइए और इसे घुमाते जाइए स्पून को। मुस्तकिल चम्मच चलाते रहें। ये देखिए क्रीमी फ्लफी। इसे अपने कप्स में दूध डालते हैं और इसे आप एयर टाइट कंटेनर या जार में ढक्कन वाले उसमें डालकर आप फ्रिज में रख सकते हैं 1 वीक के लिए। सुकून के साथ आप दूध उबालें और कप में दूध डालें, 2 चम्मच ये डालें, 1 कप कॉफ़ी तैयार हो जाएगी। तो चलिए कप में दूध निकालते हैं। इसमें 2 चम्मच कॉफ़ी डालेंगे, इसे हम मिक्स करेंगे। तो ये लीजिए कॉफ़ी तैयार है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में और घर में बहुत ही नॉर्मल प्राइस में आपके पास अच्छी कॉफ़ी जो आप रेस्टोरेंट में पीने जाते हैं वो घर में बनाइए और पिए। बहुत महंगाई का दौर है, थोड़ा ख्याल रखिए। चलिए इसी के साथ इजाज़त दीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार, अच्छी लगेगी। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।